आज ये इनसे इनकी इज्जत छीनी जाएंगी और ये गंगा जमुना तहजीब, ये हिंदुस्तानों की मोहब्बत कभी नहीं टूट पाएंगी। बस यही बात कहूंगा कि नफरत की लाठी को मत तोड़ो, लालच का गंजर तुम मत फेंको, इस जीत के पीछे मत दौड़ो, मेरे देश के प्रेमी हो, आपस में प्रेम करो। शुक्रिया, धन्यवाद दादा। इसके बाद जलगांव की बुलंद आवाज आपके साथ आपके सामने बात रखेंगे। उसके पहले मैं कहूंगा कि जो लोग हमें कह रहे हैं कि देश छोड़ दो और देश छोड़ के चले जाओ, उन लोगों के लिए मैं कहूंगा कि वो आए थे अंधेरा बन के हमें उजाले की भीख मांगने, वो आए थे अंधेरा बन के हमें उजाले की भीख मांगने, हमने हमारा घर जला दिया और दे दिया उन्हें उजाला। एक दिन जब हमें उजाले की जरूरत पड़ी, एक दिन जब हमें उजाले की जरूरत पड़ी तो हम गए थे अंधेरा बन के उन्हें उजाले की भीख मांगने, कम भगत उन्हें तो हमें ही चिराग समझ के जलाने की कोशिश की। मैं उसके आगे शिवराम बाबा पाटिल को कहूंगा कि वो अपनी बात 3 मिनट में रखे। नमस्कार साथियों, समोर पाहिलेले चेहरे असे वाटत, समोर पाहिलेले सगळ्यांचे चेहरे असे वाटत, किसी ने हमको लूट लिया है, किसी ने हमको लूट लिया है। एकोणीसशे पन्नास पासून जी भारतामध्ये राज्य घटना लागू झाली आणि आता 69 वर्ष झाली, मित्रांनो आजपर्यंत देशामध्ये असा एकही कानून बनला नाही की त्याच्यामध्ये धर्माचा उल्लेख झाला होता आणि एका धर्माला वगळलेलं होतं, पण नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी आता जो कायदा बनवला त्याच्यामध्ये मुसलमान बांधवांना वगळलेला आहे। म्हणे गांधी नेहरूंनी फाडणी केली भारताची, हिंदुस्थान आणि पाकिस्तान वेगळा केला, तुम्ही 60-70 वर्ष दोष फिरले, पण खरं ते पाप आता तुम्ही केलेलं आहे, ते पाप तुम्ही केलेलं आहे। आणि म्हणून म्हणतो ज्या लोकांना आमदारांना खासदारांना सुरेश मोळे, गिरीश महाजन, संजय जावगरे, रक्षाताई खडसे, मुकुंद पाटील, अरे ज्यांना आम्ही मतदान देऊन पार्लमेंटरी असेंब्लीमध्ये पाठवलं आहे ते लोक चुप का बसले? म्हणून म्हणतो अरे जाओ जाओ मोदी को बताओ ये कानून नहीं चलेगा, ये कानून नहीं चलेगा। क्यों क्यों इस अंजुमन में आना है आपको बार बार, इस दुनिया की दर्द को एक बार पहचान लीजिए। नागरिक बांधवांनो, या ठिकाणी सगळे आमचे सामान्य जन, मुसलमान बांधव, बौद्ध बांधव, आदिवासी बांधव आणि माडी कोळी सगळे असे गरीब लोक जमलेले आहेत, तुम्ही आम्हाला घरकुल देण्याचे लालच दाखवले, नाही दिला मी पत्राच्या घरात राहू जाऊ, मोदी साहेब तुमच्याकडनं चांगल्या कामाचे आणि घराची आम्हाला काही उमेद राहिलेली नाही, तुम्ही रोजगाराची 2 कोटी रोजगाराची हमी दिली, आम्ही तुम्हाला मतदान केलं आणि आमची पोर रस्त्यावर आलेले आहेत, तुमच्या सेकंड काही गुंजाईश नाही राहिलेली आहे, पण जर माझ्या या मूळनिवासी बांधवांना जमिनीपासून खदेडण्याचा प्रयत्न केला तर नरेंद्र मोदी तुम्हारी शामत नाही आहे, तुम्हारी शामत नाही आहे। बांधवांनो, आम्ही लोक संख्येने जास्त आहोत, लोकशाही आमच्यासाठी आहे, बाबासाहेब आंबेडकर आमच्यातले होते, मीर शुक्रल्ला खान आमच्यातलेच होते, आणि हे लोक पार्लमेंटमध्ये गेले शेडे शेठ, सावकार, व्यापारी आणि चोर, आणि त्यांनी आम्हाला खदेडण्याचा जो कायदा केला आता आपल्याला जागरूक व्हावं लागेल, पुन्हा बाबासाहेब आणि मीर शुक्रल्ला बनावं लागेल, आणि या भारताच्या राज्यघटनेमध्ये जो काही धर्मनिहाय कायदा यांनी पास केला तो रद्द करावा लागेल। आणि म्हणून बांधवांनो, जे काही तुम्ही या ठिकाणी जमा झालेले आहात, हे पाहता असं वाटत की माझ्या भारतामधील 75-80% लोकांना हा NRCचा कायदा मंजूर नाही, पण आम्ही एक विसरतो ज्या ज्या वेळेला विधानसभा आणि लोकसभा येते
याचं रूपांतर मतामध्ये झालं पाहिजे. आणि तुमचा उन्मेष पाटील आणि तुमची रक्षा खडसे पुन्हा पार्लमेंट जावण्याची तजवीज केली पाहिजे. धन्यवाद. भारत हमारे हक का. अल्लाह धन्यवाद दादा. इसके बाद आपको घोषणा देनी है. एकच पर्व बहुजन सर्व, एकच पर्व अरे एकच पर्व अरे एकच पर्व बहुजन क्रांती मोर्चाचा. यानंतर शिवाजी नाना पाटील यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपले शब्द या ठिकाणी 3 मिनिटात ठेवायचे. ये जो महिलाएं जा रही है, मैं भाइयों को गुजारिश करूंगा कि उनको रास्ता दो और जाने दो. साथियों सबको जय मुल्ला सिंह. छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी राजे, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले आणि फातिमा शेख याला साग यांच्या कार्याला नमन करून, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्याला नमन करून मी आपल्या पुढे फक्त 2 शब्द ठेवतो. भाई हो, ये गद्दारी गद्दारी जो विषय है, गद्दारी किसने कहा है, गद्दारी किसने की है, ये पहले ये आपको समझ लेना चाहिए. मुसलमान लोगों ने इतिहास से सिद्ध किया है कि ईमानदार कौन है. उसे में जवान काजी हैदर मदारी मेहतर ये छत्रपति शिवाजी के साथ स्वराज के लिए मिट गए. इन्होंने अपना बलिदान स्वराज के साथ दिया है. ईमान जो शब्द है वो ईमान जो शब्द है ये कुरान का शब्द है. मुसलमान कभी बेईमान नहीं हो सकता. ये इतिहास कहता है, इतिहास कहता है, इतिहास का कहना है कि मुसलमान कभी बेईमान नहीं है. ईमान ये जो शब्द है, ईमान वो जो शब्द है, ईमान शब्द जो है ये कुरान का शब्द है. ये जो है ईमान, ये जो जिसको जो ईमानदार है उसको इस्लाम का दिया. और इनसे ये अपना सर्टिफिकेट बन रहे हैं कि आप सर्टिफिकेट दो, आप एक देश के नागरिक हो. एनआरसी का लिए जो किया है, जो पश्चिम से आते हैं उनका स्वागत किया जाता है, उनको रेफ्यूजी कहा जाता है, उनका पुनर्वसन होता है. और जो पूरब से आते हैं, जो बांग्लादेश से आते हैं, वो भी हमारे भाई है. जवान है अल्लाह के वास्ते. ये जो सामने जवान खड़े हुए, बेटा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, पीछे हो जाओ, पीछे पीछे आराम आराम से जाओ. और हमारी माँ बहनों को आने दो फौरन. बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे. हाँ, ये यहाँ से बच्चे एकदम कोई शोर ना करे. दीवार से थोड़ा सा रख जाओ बेटा, थोड़ा सा रख जाओ, प्लीज प्लीज बेटा, प्लीज प्लीज. बस 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 बस, शाबाश शाबाश, बस शाबाश शाबाश. वालेकुम अस्सलाम वालेकुम. जिन जिन बहुजन महापुरुषों ने हम बहुजनों की गुलामी खत्म करने के लिए अपनी जिंदगी व्यतीत की, उन बहुजन महापुरुषों को मैं त्रिवार अभिवादन करता हूँ. और दूसरी एक बात, मैं और मेरे साथी पिछले 16 दिन से इस जलगांव शहर के अंदर ये मोर्चा का प्रचार प्रसार करने के लिए काम कर रहे हैं. इस मोर्चा को सक्सेस करने के लिए जो जो मेरे साथ ने सहयोग दिया, सबसे पहले उनका आभार व्यक्त कर देता हूँ. साथियों, बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से ये जो बहुजन क्रांति मोर्चा की रैली निकाली गई, तो एनआरसी और कैप का ये मुद्दा है. हमारे लोगों ने मुद्दे के ऊपर बोलना चाहिए. जब संसद के अंदर जो हमारे देश का गृह मंत्री है, जो तड़ीपार है, तड़ीपार इस शब्द का अर्थ होता है जो समाज में रहने के लायक नहीं होता. जो हमारे देश का गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने जब ये कानून लाया
तो मुसलमानों को हम क्यों डरने की जरूरत नहीं है। अरे देश के तड़ीपाल, तुझे मैं ये बता देना चाहता हूँ, अरे हमारे पुरखों की विरासत है, हमारे पुरखों का इतिहास है, हमें सिखाया गया है कि लड़ो तो अली जैसे और मरो तो हुसैन जैसे। मैं मेरे मजलूम भाइयों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस देश के लिए तुमने बहुत कुछ दिया, इस देश के लिए कुर्बान हुए, इस देश के लिए तुम शहीद हुए, जरा मुझे भी शहीद होने का मौका दो। क्योंकि इस देश के अंदर तुम भी मजलूम हो, तुम कुछ सालों के मजलूम हो, लेकिन मैं जो हूँ 2500 साल से मैं मजलूम हूँ। जहाँ पे कुत्ता बिल्ली जानवर पानी पीते थे, वहां पे हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था। लेकिन मेरे बाप ने, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा और हमें सभा पर अधिकार से नवाजा। अगर हम लोग दुश्मन आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि हमें अच्छा बोलना नहीं आता है, हम सच्चा बोलते हैं, क्योंकि ये एनआरसी और काम हमारे देश के अंदर लाया गया तो नरेंद्र मोदी ने कहा था, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। नरेंद्र मोदी ये देश का सच्चा प्रधानमंत्री नहीं है, क्योंकि हमारे देश में जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे चुनाव किए जाते हैं, यो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को पेटेंट सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि बच्चा है लेकिन बच्चे के बाप का नाम नहीं है। ये जो नरेंद्र मोदी है ये भुसगावला है, ये नरेंद्र मोदी है ये ब्राह्मणों का रखा हुआ प्रधानमंत्री है, रखा हुआ। क्योंकि हम लोग आमने सामने के लड़ाई में विश्वास रखते हैं। तुमने एलआरसी लाया, तुमने कैब लाया, जब ब्राह्मणों तुम्हारे बाप ने मनुस्मृति लिखी तो हमें अधिकार नहीं दिया। सुन लो, शब्द ही असली हथियार होता है, हमारी बोली गोली से भी तेज होना चाहिए। हे ब्राह्मणों, तुम्हारे बाप ने मनुस्मृति लिखी, हमें अधिकार नहीं दिया, लेकिन मेरे बाप ने संविधान लिखा, मुझे भी दिया और तुझे भी दिया। अमित शाह और नरेंद्र मोदी, तुझे एक बात बता देना चाहता हूं कि टाइम तेरा है, आने वाला दौर हमारा है। क्योंकि आप भी मजलूम हो, मैं भी मजलूम हूँ, हम सब लोगों को पीटने का काम इस देश के अंदर ब्राह्मण कर रहे हैं। हम पीटे पिटाए हुए लोग हैं, पीटे पिटाए लोग एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो उनके पीटने के लायक हम बन जाएंगे। इसलिए मुसलमानों को कहता हूँ, आगे आके जिंदाबाद मुर्दाबाद मत करो, हमको दे दो चांस। अरे भाई, हमारा खंडा यूज करो, गोली तुम रखो, जिसको ठोकना है उसको ठोको। अभी कोई तो तुम्हें ऐसा नहीं बोल सकता यार, लेकिन हम दे रहे चांस। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी तुमने हमको बहुत बड़ा मौका दिया मजलूमों को छोड़ने का। तुमने एनआरसी लाया, तुमने कैब लाया, हमको मौका मिलेगा तो हम डीएनए लाएंगे। कौन भारत का कौन विदेश का फाइनल कर लो, क्योंकि मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
तबले देने वाले यही यहूदी नस्ल के लोग थे और उनकी नाजायज औलाद इस भारत के अंदर है ब्राह्मण। नरेंद्र मोदी दो हजार चौदह में जब नरेंद्र मोदी चुन के आया तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद मेरी माँ है। जब दूसरी बार गया तो कहा धरती मेरी माँ है। जब गंगा पे गया तो कहा गंगा मेरी माँ है। जब यमुना के तट पे गया तो यमुना मेरी माँ है। मुझे लगा चार चार माँ है, एक हाथ तो बाप तो होना चाहिए। फिर कुछ दिन के बाद नरेंद्र मोदी देश का वजीर आजम और उसका मंत्रिमंडल आरएसएस के चीफ मोहन भागवत के सामने शरणागत हुआ। जब मुझे एहसास हुआ कि नरेंद्र मोदी का बाप मोहन भागवत है। एनआरसी और क्या तुम्हारे सामने लाया ना, ये नरेंद्र मोदी ने नहीं, ये मोहन भागवत ने लाया। दुश्मन को पहचानो। हमारे बाप दादा ने हमें हमारा दुश्मन आइडेंटिफाई कर दिया है। इस देश के अंदर झुंड कभी क्रांति कर नहीं सकते। क्रांति करने के लिए वो देश जरूरी है और मैं कहता हूं जब तक इस देश के अंदर क्रांति नहीं होती मैं मेरी जवानी और जिंदगी समाज के लिए लगा दूंगा। मेरे जानदार के साथी यहाँ पे आए उनको मालूम है कि राजू खड़े क्या चीज है। उनको भी मैं ऐसे ही निपटाता हूँ। आप साथियों एनआरसी और क्या तुमने लाया और एनआरसी और क्या तुम इस देश के लाते हो 1971 के पहले पुराने हम तो मांगते हो। अरे नरेंद्र मोदी तू राफेल की फाइल तो नहीं संभाल पाया। 1971 के पुराने तुम्हारे घर पे मांगने के लिए आएंगे तो उनको एक ही बात बताना, अब्बा जान थे, अब्बा जान ने संभाल के रखे थे, खो गए, अब्बा जान ऊपर चले गए, फाइल लेना तो ऊपर चले जाओ। ये ब्राह्मणों तुमको एक मैं बात बता देना चाहता हूँ कि अंग्रेज इस देश के अंदर थे, तुमने कहा अंग्रेजों की गुलामी मंजूर नहीं। हम लोग कहते हैं कि डीएनए के आधार पे तुम विदेशी हो, तुम्हारी गुलामी मंजूर नहीं, तुम्हारी गुलामी हमें मंजूर नहीं। ये जो बहुजन क्रांति मोर्चा है ना, मैं 15 दिन से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। बहुत से लोगों ने क्या क्या किया ये मंच पे बोलने की बात नहीं, लेकिन मेरे जलगांव के लोगों ने बहुत बड़े पैमाने में साथ सहयोग दिया, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि गुलामी में काम आते ना तलवार है ना तस्वीर है। मैं अव्वल दर्जा का गुलाम हूँ लेकिन जागरूक हूँ तुमको भोगे। मैं अव्वल दर्जा का गुलाम हूँ क्योंकि मुझे मालूम है 3.5% यहूदी नस्ल के जो नाजायज औलाद है वो भारत के अंदर ब्राह्मण है और वही पर्दे के पीछे षड्यंत्र करके काम करते हैं। हम लोगों ने ब्राह्मणों को मैसेज दिया एनआरसी होगी लेकिन आधार डीएनए होगा। साला तुम्हारा डीएनए विदेश का है तो मैं क्या करूं यार। कानून तुझे ही नहीं बनाना आता है मोदी, हमें भी आता है क्योंकि मेरा बाप स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ता था। जब मौका मिला भारत का संविधान बना दिया। हम इतिहास बनाने वाले लोग हैं और तुम इतिहास से धोखेबाजी करने वाले हैं। मैं बहुजन क्रांति मोर्चा का जिला सदर इस नाते से मैं आपको आश्वस्त करा देना चाहता हूँ कि मुसलमान की लड़ाई आने वाले दिनों में हम लड़ेंगे। आरएसएस ने हमें बंदर बनाया, आरएसएस ने हमें जाति के अंदर बांटा,
हिंदू बनाया और तुम्हारे विरोध में लड़ाया। मैं आपको अपील करना चाहते हैं कि आप एसी में बैठो, हमारे खाने पे बंदूक रखो, हम उनको निपटने का काम कर लेते। मौका सबको मिलता है, अभी तुमको भी मौका हम देते, हमारा इस्तेमाल कर लो। और रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुजन क्रांति मोर्चा, ये जो प्लेटफॉर्म है ये गली मोहल्ले का नहीं, नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है। ब्राह्मण नेशनल लेवल पे काम करता है, संगठन नेशनल लेवल का। तुम्हारे ताकत को हम पहचानते हैं। आने वाले दिनों में डीएनए का कानून लाएंगे, भारत में रहने नहीं देंगे, बिना शाह जा नहीं पाएंगे, सैंडविच बना तय तुम्हारा। साथियों, बहुत से वक्ता है और इस बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय सह संयोजक विलास खरात साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि सर, इस मोर्चा को संबोधित करने के लिए आप जलगांव में आओ, और बहुत से हमारे वक्ता इस जगह बोलने वाले हैं, तो खाली मैं जाते जाते अभी आपने शेर बोला तो मुझे भी लगता है कि बोलना चाहिए। कदम कदम पे है बलाए, जिसे हो जिंदगी से प्यार, वो यही से लौट जाए। मुसलमान हमारा भाई है, मुसलमान हमारा भाई है, मुसलमान हमारा भाई है। शुक्रिया दोस्तों। अभी मैं आशफाक पिंजारी साहब को मैं विनती करना चाहता हूँ कि अपनी बात रोके। बहुजन क्रांति मोर्चा के आज के इस विशाल रैली में आए हुए एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के सभी लोगों को यहाँ पर मैं अभिवादन करता हूँ। आज जो हमारे देश में रंगा बिल्ला की जोड़ी ने नागरिकता संशोधन ये जो काला कानून लाया है, और इसके जरिए मुसलमान यहाँ पर टारगेट भले ही है, लेकिन एससी एसटी ओबीसी ये भी इसका शिकार होने वाले हैं। तो हम सब मिलकर बहुजन समाज एससी एसटी ओबीसी इस काले कानून का यहाँ पर हम आप सबके गवाही से यहाँ पर हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम बायकॉट करते हैं। इसी के साथ जामिया मिलिया इस्लामिया हो, जेएनयू हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, इनके छात्रों के ऊपर पुलिस ने जो बर्बरता पूर्वक हमला किया हुआ है, इसका भी यहाँ पर हम निषेध व्यक्त करते हैं। सीएओ हो, एनआरपी हो या एनआरसी हो, ये जो कानून लाए जा रहे हैं ये माइनॉरिटी को, एससी एसटी ओबीसी को सताने के लिए ये कानून लाए जा रहे हैं। हम नारा देते हैं जय मूल निवासी का मूल निवासी का मतलब होता है हम यहाँ के इस देश के बाशिंदे हैं, मूल निवासी हैं, और हमसे तुम दस्तावेज मांग रहे हो, हमसे तुम कागजात मांग रहे हो, जबकि तुम विदेशी मूल के हो, विदेशी नस्ल के हो, तुम यूरेशिया से आए हुए लोग यहाँ के मूल निवासी से सर्टिफिकेट मांग रहे हो, जबकि ये सर्टिफिकेट तो हमने तुमसे मांगना चाहिए मूल निवासी नागरिक होने के नाते। तो दोस्तों, हम इस काले कानून को इस देश में कभी भी नाफिज नहीं होने देंगे, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। धन्यवाद। जय मूल निवासी। आप लोगों को नारा देना है, मैं बोलूंगा मोदी तेरे कितने दिन, आप बोलना जुमा जुमा आठ दिन। मोदी तेरे कितने दिन, मोदी तेरे कितने दिन, मोदी तेरे कितने दिन। इसके बाद मैं मेरे भाइयों को बता दूं कि मेरे पार्टी वाले अभी तक ऐसे नहीं बोला,
कि भाई हमारे गंदे बंधु रख के तुम चलाओ, कोई राजकारण, कोई पार्टी ने, कोई समाज की कोई संगठन ने ऐसा नहीं बोला। तो हमें इस बाम सेफ का साथ देना चाहिए क्योंकि ये आंदोलन बहुत लंबा चलने वाला है। ये जब तक चलेगा जब तक हम ईमान वाले मुस्लिम भाई इसके साथ में खड़े रहेंगे, ऐसा हमको अहद करना है। हमें समझना है बाबा साहब के विचारों को। बाबा साहब ने क्या बोले है, संघर्ष करो, संगठित रहो और सीखो। ये तीनों चीजों से हम बहुत दूर है भाइयों, बहुत दूर है। तो हमको अब इस पर बात ध्यान देना चाहिए कि हमें पढ़ना भी चाहिए, हमें सीखना भी चाहिए और एकजुट रहना चाहिए। जैसे कि आज ये जैन सलाम यहाँ पर उतरा है, मैं इतना बोल के अपने दो लफ्ज खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय महाराष्ट्र।